भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक बड़ी तादाद में लोग टू व्हीलर्स चलाते हुए देखे जाते हैं, और दुनिया में कहीं भी बात करें टू व्हीलर्स की तो इंडिया का नाम वहां पर लिस्ट में काफी आगे आता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसे कुछ टू व्हीलर्स स्कूटर्स के बारे में जो आपको सबसे बेस्ट माइलेज देते हैं। तो ऐसे 7 टू व्हीलर्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला लिस्ट में जो स्कूटर है वो है TVS का स्कूटी पेप प्लस। अब TVS पेप प्लस जो स्कूटर है वो इंडिया में एक बहुत लंबे समय से स्कूटर है जो बेचा जा रहा है TVS की तरफ से। अब इस स्कूटर की बात करें तो माइलेज जो स्कूटर देता है तकरीबन 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये स्कूटर आपको देता है, और ये पहला स्कूटर है हमारी इस लिस्ट में। इसके बाद इसका जो प्राइस TVS दे रखा है वो है 64,484 रुपीस एक्स शोरूम। और इंजन जो इस स्कूटी पेप प्लस में दिया गया है TVS की वो है 88 सीसी का इंजन इसमें देखने को मिलता है। अब अगला स्कूटर जो इस लिस्ट में है वो है हीरो का माइस्ट्रो एज 110 सीसी, और ये जो स्कूटर है हीरो का ये माइलेज देता है 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। और प्राइस की बात करूँ 68,698 रुपीज एक्स शोरूम इसका प्राइस है। इंजन जैसे कि मैंने बताया 110 सीसी का इंजन इसमें देखने को मिलता है। अगला स्कूटर जो है तीसरा स्कूटर इस लिस्ट में है वो है होंडा का एक्टिवा 6G, और ये जो माइलेज देता है वो है 60 किलोमीटर पर लीटर की। इंजन की बात करूँ तो इंजन से पावर जनरेट होता है वो है 7.68 bhp का, टॉर्क जनरेट होता है 8.79 न्यूटन मीटर्स का, CVT गियर बॉक्स याद आता है ऑब्वियसली। और इसका प्राइस जो होंडा ने रखा है वो है 74,356 रुपीज एक शोरूम। नाउ द नेक्स्ट स्कूटर इन दिस लिस्ट इज जो 7 स्कूटर मैं आपको बता रहा हूँ वो है TVS का जुपिटर, और जो माइलेज TVS का स्कूटर देता है जुपिटर वो है 62 किलोमीटर पर लीटर की, और प्राइस है इसका 71,390 रुपीज एक्स शोरूम। और जो ये इंजन इसमें दिया गया है वो 110 सीसी का इंजन इसमें देखने को मिलता है। अगला स्कूटर जो इस लिस्ट में है वो है सुजुकी की तरफ से XS 125। अब इस XS 125 का जो माइलेज है वो है 64 किलोमीटर पर लीटर का, और जो प्राइस है एक्स शोरूम वो है इसका 79,400 रुपीज। इंजन ऑब्वियसली 125 सीसी का इंजन इसमें देखने को मिलता है। बड़ा इंजन होने के बावजूद भी एक अच्छा माइलेज ये सुजुकी का XS 125 आपको देता है। अब अगला और छठा स्कूटर जो हमारी इस लिस्ट में है वो है यामा का फसिनो 125। अब जो यामा ने इसका प्राइस रखा हुआ है या माइलेज जो इसकी आती है वो है 68 किलोमीटर पर लीटर की, और इसका प्राइस है वो है 78,600 रुपीज एक्स शोरूम। और पावर जनरेट करता है इसका 125 सीसी का इंजन वो है 8.1 bhp की, और टॉर्क जनरेट करता है 10.2 न्यूटन मीटर्स का। अब लास्ट और फाइनल स्कूटर हमारे इस 7 स्कूटर की जो लिस्ट में है वो है यामा का ही रेजेडार हाइब्रिड स्कूटर। अब इसका जो माइलेज है वो है 68 किलोमीटर पर लीटर का, सेम 125 सीसी का इंजन इसमें दिया गया है, और जो इसका पावर है वो है 8.1 bhp और टॉर्क है 10.2 न्यूटन मीटर्स का, और प्राइस इसका जो पड़ता है वो है 82,730 रुपीज एक्स शोरूम। ये 7 स्कूटर्स है हमारे इस मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट 7 स्कूटर की जो लिस्ट हमने आपको बताई। अब इनमें से कौन सा स्कूटर आपको सबसे ज्यादा पसंद है या आपकी सबसे पहली चॉइस बन सकती है, कौन सा स्कूटर आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा।